खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको सिर्फ कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो बहुत चटपटी हैं। आज का हमारा ये एपिसोड है चाट स्पेशल। देखते हैं कुछ चाट चटपटी चीजें। शुरुआत करते हैं पानी पूरी से, गोलगप्पों से, पुचकों से। जी हाँ, ये सारे नाम हैं एक ही चीज के। और ये जो है गोलगप्पा, आप कहें इसको पानी पूरी कहें या पुचका कहें, ऐसी चीज है जो बच्चों को, बूढ़ों को, सबको पसंद आता है। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आसान काम से शुरुआत करते हैं आज। इसके लिए इसका जो पानी है वो बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग ये तो बाज़ार से ख़रीद के ले आते हैं, लेकिन पानी वो घर में बनाने की बहुत इच्छा करती है। वो इसलिए क्योंकि स्वाद तो हम चाहते हैं गली के नुक्कड़ वाला, लेकिन एकदम सफाई से घर में बनाकर फिर पीना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर खाना नहीं पसंद करते। तो देखते हैं ये पानी हम किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें सबसे ज़रूरी है पुदीना। पुदीने का फ्लेवर जो है इसके अंदर बहुत बढ़िया लगता है। इसके साथ साथ इसमें धनिया लगेगा और हरी मिर्च। इसका पानी बनाने के लिए सबसे पहले ये जो धनिया, पुदीना और हरी मिर्च है, इसे हमने पीसना है। पुदीने के पत्ते साफ कर कर आप ले लें और जहाँ तक हो सके उसमें डंडी कम से कम रखें। और हरी मिर्च, अब इन सब चीज़ों को हमने पीसना है। अब ये जो धनिया, पुदीना और हरी मिर्च है, इसे एक बोल में हम निकाल लेते हैं। अब ये जो हमने पीसा है, ये बेस तैयार हो गया है पानी पूरी या गोलगप्पे या पुचके के पानी का। गोलगप्पे का जो पानी है उसका मज़ा तब तक नहीं आता जब तक उसमें कुछ खट्टापन ना हो। खट्टेपन के लिए आप इसमें इमली डाल सकते हैं, आप इसमें कच्चे आम डाल सकते हैं, आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, या आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कच्चे आम भी हैं और इमली भी है। ये जो कच्चे आम हैं इसे हमने उबाला हुआ है। ये आम आप पहले चेक कर लें, खट्टे होने चाहिए। और उसके बाद ये जो पल्प है इसको हमने इसके अंदर डालना है। कच्चे आम का पल्प खट्टापन देने के लिए। और इसके साथ साथ इसमें हमने मसाले डालने हैं, क्योंकि जब भी कोई चाट है एकदम मसालेदार ना हो तो मज़ा नहीं आता है। इसमें लाल मिर्च पाउडर, ध्यान रहे इसमें हमने हरी मिर्च पहले से डाली हुई है, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा, ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डलता है इसमें। इसके साथ इसमें काला नमक पिसा हुआ, और इसके साथ साथ साधारण जो नमक है वो भी इसमें हम डालेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। अब इसमें हम पानी डालेंगे। इसके साथ इसमें थोड़ा नींबू का रस, इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा रंग आ गया। अब ये पानी तैयार हो गया है। इसमें हमने इमली नहीं डाली है, लेकिन अगर आप चाहें तो जब आप गोलगप्पे के साथ सर्व करें तो इमली की चटनी डालें। और बहुत सारी चीज़ें डाली जा सकती हैं। क्या क्या डाली जा सकती हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे मूंग है, होल मूंग आप डाल सकते हैं इसके अंदर। आपने देखा होगा कि जब भी लोग गोलगप्पे सर्व करते हैं तो पानी के अंदर बूंदी डाल के रखते हैं, तो आप पानी के अंदर बूंदी डाल सकते हैं। नहीं तो आप इसको भिगो लें, निचोड़ लें, और उसके बाद इसको आलू के साथ मिक्स करके, उबले हुए आलू ले लें, ये देखिए उबले हुए आलू, बूंदी, इनको मिक्स करके या इसके साथ आप मिक्स करके तब बीच में भरें, चटनी डालें खट्टी या मीठी या तीखी, और उसके बाद ठंडे ठंडे पानी के साथ ये जो गोलगप्पे हैं गर्मा गर्म नहीं ठंडा ठंडा सर्व करें। सारी चीज़ें गर्म मज़ा नहीं आता है, और इसका जो पानी है मैं एक बार फिर बता रहा हूँ एकदम ठंडा होना चाहिए। आप चाहें तो इसको खुद बना के खा सकते हैं, लेकिन मज़ा तब आता है जब आपके घर में दूसरा कोई आपको बनाकर जैसे नुक्कड़ वाला चाट वाला करता है वैसे ही घर पे करें। पत्तल मिले तो बढ़िया है, उसका पत्तल में कब बनाएं और वैसे ही सर्व करें, बहुत मज़ा आएगा, बना के देखें। खैर अभी तो मैं खाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं मज़ेदार हैं,
पानी उतना ठंडा नहीं है, थोड़ी सी बर्फ़ डाल के मैं मज़े लेता हूँ। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। इसके लिए हमें चाहिए कुछ पूरी, आधा छोटा चम्मच काला नमक, 2 कप कच्चे आम का पल्प, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 4 बड़े चम्मच पुदीने के पत्ते, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, 4 हरी मिर्चें और नमक स्वाद अनुसार। इसके लिए आप कच्चे आम को उबालकर इसका पल्प निकाल लें और पुदीने के पत्ते, बारीक कटा हरा धनिया और हरी मिर्चों को पीस लें और इसकी पेस्ट बना लें और इस पेस्ट के अंदर आम का पल्प, लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और नमक डालकर मिलाएं और इसके साथ इसमें पानी डालकर मिक्स करें। अब इसके अंदर नींबू का रस डालकर इसे ठंडा कर लें और पूरी सर्व करने के लिए पूरी के अंदर आलू, मूंग की दाल या बूंदी डालकर इसे ठंडे पानी के साथ सर्व करें। खाना खजाना देखने वालों को एक बार फिर संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज आप देख रहे हैं चाट स्पेशल, चटपटी चीजें। अभी हमने देखा कि पानी पूरी, गोलगप्पे, उसका पानी कैसे बनाया जाता है, बहुत टेस्टी था, बढ़िया था। अब देखते हैं टिक्की, आलू की टिक्की। सिंपल चीज है लेकिन ध्यान से देखिए किस तरह से इसको अलग बनाया गया है और टेस्टी बनाया है और इसको सर्व किया है दही के साथ। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले टिक्की बना लेते हैं, बहुत सिंपल है। उबले हुए आलू लेने हैं आपने, इसको ग्रेट करना है और इसके बाद इसमें नमक डालेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं डालनी है हमने, इसे मिक्स कर लेते हैं। इसकी जो स्टफिंग है उसके लिए एक पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे हम। इसमें हम मूंग दाल स्टफ कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमने मूंग दाल ली है और मूंग दाल को थोड़ा सा उबाला है। पानी के अंदर मूंग दाल डालें, नमक डालें, थोड़ी सी हल्दी और इसे बॉईल कर लें और पानी इसका निकाल दें। इसे पूरा नहीं गलाना है। ये देखिए थोड़ी सी सख्त है लेकिन एकदम कच्ची भी नहीं है। इस तेल में चुटकी भर हींग डालें और इसके साथ इसमें बारीक कटा हुआ अदरक। ये हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं टिक्की के लिए। थोड़ी हरी मिर्च और इसके साथ इसमें डालें ये मूंग दाल। इस समय इसका नमक चेक कर लें, यदि इसमें नमक कम है तो थोड़ा सा नमक डालें। जब आप मूंग दाल को उबालें उस समय इसमें नमक ज़रूर डाल लें। आप चाहें तो इस स्टफिंग के अंदर थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं, थोड़ा खट्टापन देने के लिए, और इसे ठंडा कर लेते हैं हम। ये जो स्टफिंग है, जब तक ये ठंडा होता है तब तक इसके लिए हम जीरा भून लेते हैं। अब आप भी सोचेंगे कि जीरा जो भूनना है उसमें बताने की क्या ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो इसलिए क्योंकि इसके लिए जो जीरा हमने भूनना है वो थोड़ा ज़्यादा भूनना है, ऑलमोस्ट काला कर देना है। आप देखिए किस तरह से इसके लिए जो हम जीरा लेंगे वो बहुत ज़्यादा भूनेंगे। अब ये जो जीरा है ये तैयार हो चुका है, इसे हमने पीसना है। थोड़ा सा ठंडा कर लें इसे भी और अब इसे पीस लें। आप देखिए ये जो जीरा है इसका रंग कितना डार्क हो चुका है। अब ये जीरा तैयार, ये स्टफिंग हमने तैयार करके रखी हुई है, आलू तैयार हैं, स्टफिंग में थोड़ा सा हरा धनिया। अब ये जो टिक्की है इसे हम बना लेते हैं। उबले हुए आलू ग्रेट किए हुए हैं और इसमें सिर्फ हमने नमक डाला है। स्टफिंग के लिए बीच में ऐसी जगह बना लें। स्टफिंग इसके अंदर डालें और इसे बंद कर लें। अब ये जो टिक्की है ये तैयार हो गई है। इसको आप चाहें तो टेबल टॉप के ऊपर इस तरह से रोल कर लें और इसी तरह से बाकी टिक्की हम तैयार कर लेते हैं। अब ये टिक्की हमने तैयार कर ली है, इसे हमने पकाना है। पकाने के लिए इसको तवे पे पकाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप इसको डीप फ्राई कर लें। तवा आप ले लें, नॉन स्टिक तवा ले सकते हैं। इसमें हमने तेल डाला है, कुछ लोग घी भी डालकर बनाते हैं। अब ये जो तेल है
ये गरम हो चुका है, इस टिक्की को इसके ऊपर रखेंगे हम। जब ये टिक्की बनाई जाती है तो इसको शैलो फ्राई किया जाता है, वैसे तो एकदम कम तेल में तवे के ऊपर इसे पकाया जाता है, और इसकी खासियत ये है कि इसे धीमी आंच पर पकना चाहिए। इसे हम पलट लेते हैं, ध्यान से पलटें, क्योंकि ये जो आलू हैं इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली है जिससे आलू जुड़ें, जैसे कुछ लोग ब्रेड डालते हैं, कुछ लोग कॉर्नस्टार्च डालते हैं, इसमें कुछ नहीं डाला है हमने, तो इसलिए आप इसे ध्यान से पलटें। ये देखिए, अब ये जो टिक्की है दूसरी तरफ से भी पकेगी, तब तक इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। नमक, काला नमक, खूब सारा जीरा पाउडर और थोड़ी लाल मिर्च, जितना आपने तीखा खाना हो उसके हिसाब से, और इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर लें। और जैसा मैंने आपको बताया, ये जो टिक्की हम बना रहे हैं ये बनाएंगे दही के साथ, तो आप दही ले लें। यहाँ पर हमने दही तैयार करके रखी हुई है, फिटी हुई दही है, और इसके साथ साथ दो चटनियाँ हैं। ये जो चटनी है इमली की चटनी है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, काफ़ी गाढ़ी है, और इसमें इमली के साथ साथ गुड़ की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें हमने जीरा डाला है, थोड़ा गरम मसाला पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर है और नमक है, और इसके साथ इसमें हरी चटनी, पुदीना और धनिया वाली, जिसमें हरी मिर्च ज़्यादा मात्रा में है। अब ये जो टिक्कियाँ हैं ये तैयार हो गई हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि इन टिक्कियों को हमने सर्व करना है दही के साथ, तो एकदम करारी टिक्कियाँ। ये टिक्की लेने के बाद जब आपने प्लेट में रख दी, उसके बाद आप इसे हल्का सा खोल दें, थोड़ा सा, और उसके बाद दही, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में दही डलता है इसमें, इसके साथ इसमें चटनी, आप देख रहे हैं कितने आराम से ये चटनी डल रही है, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी है, लेकिन फिर भी आप ये देखिए पोरिंग कंसिस्टेंसी है, और वो है ज़्यादा गुड़ की वजह से। और अब तीखी चटनी, जितना तीखा आपने खाना हो, और ऊपर से ये मसाला, लाल मिर्च, और आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा धनिया डालें, और इस तरह से टिक्की को सर्व करके देखें। आपने टिक्कियां तो बहुत खाई होंगी लेकिन इस तरह की नहीं खाई होगी, क्योंकि दिखने में ये लगता ही नहीं है कि अंदर से गर्म होगी, दही ऊपर से ठंडी है, चटनी ठंडी है, लेकिन अंदर जो टिक्कियां है वो एकदम गर्म है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आपने इसको सर्व करना हो, टिक्की गर्मा गर्म तवे से उतारें और उसी समय दही चटनी डालकर इसको इसी तरह से गर्म और ठंडा, क्या कहेंगे, जो भी आप कहना चाहें उस तरह से सर्व करें। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप मूंग की दाल, 4 उबले आलू ग्रेट किए हुए, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, चुटकी भर हींग, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 3 बारीक कटी हरी मिर्चें, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 2 छोटे चम्मच जीरा, 1 कप दही, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इमली की चटनी आवश्यकता अनुसार, हरी चटनी आवश्यकता अनुसार, 1/2 बंच धनिया के पत्ते और नमक स्वाद अनुसार। इसके लिए आप उबले आलू को ग्रेट करके उसके अंदर नमक डालकर मिला लें। इसकी स्टफिंग के लिए मूंग की दाल में नमक और हल्दी पाउडर डालकर इसे पका लें, और एक पैन में तेल लेकर इसमें हींग, बारीक कटा अदरक, बारीक कटी हरी मिर्चें और उबली मूंग डालकर इसे थोड़ा पकाएं। अब इसके अंदर नमक और नींबू का रस डालकर मिक्स करें और इसे एक प्लेट में निकालकर इसके ऊपर बारीक कटा हरा धनिया डालें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें, और आलू के मिक्सचर की टिक्की बनाकर इसके बीच में मूंग की दाल के मिक्सचर को भरें और इसे बंद करके एक तवे के ऊपर इन टिक्की को दोनों तरफ से तेल लगाकर धीमी आंच पर तलें, और इसे सर्व करने के लिए एक प्लेट में टिक्की को डालकर बीच में से खोलें और इसके ऊपर दही, इमली की चटनी और हरी चटनी डालें। इसके बाद इसके ऊपर भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर और काले नमक के मिक्सचर को डालें और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर सर्व करें। आज के चाट स्पेशल में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं बढ़िया बढ़िया चाट। पहले आपने देखी पानी पूरी, उसके बाद
एक ऐसी टिक्की जिसमें दही डली थी, बहुत बढ़िया थी। अब देखते हैं सेव बटाटा पूरी। बहुत सिंपल है, थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने पहले से तैयार करके रखी हुई हैं, और यदि ये चीज़ें तैयार हों तो इस डिश को बनाना बहुत ही सिंपल है। इसको आप कभी भी खा सकते हैं, ख़ास तौर से स्नैक्स के रूप में शाम को अगर बरसात आ रही हो तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन बरसात के मौसम में ये जो तैयारी है बना के आप रखें तो ऐसे डब्बों में बना के रखें ये करारी रहें, इसके लिए ज़रूरी है। आप देखें यहाँ पर पापड़ी है, ये जो पूरी है एकदम कड़क होनी चाहिए। चलिए इसको कैसे बनाते हैं मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। आप मैदा ले लें और उसके अंदर घी डालकर थोड़ा पानी डालकर उसको गूंद लें, एकदम कड़क गूंदना चाहिए, और घी भी बहुत ज़्यादा ना डालें नहीं तो एक खस्ता ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद इसे डीप फ्राई कर लें। वैसे आप जब इसको बनाने से पहले थोड़ा सा फोर्क से इसमें थोड़े छेद कर देंगे तो ये फूलेगी नहीं और ऐसी बढ़िया बन जाएगी। ठंडी हो जाए उसके बाद इसको आप किसी एयर टाइट बर्तन के अंदर बना के रख लें, और जब भी ज़रूरत हो आप चाहें तो चाट के लिए, किसी भी चाट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं ये सेव पूरी। इसके लिए जिस प्लेट में आपने सर्व करना हो इसे पहले रख लें। इसके लिए कुछ चटनियों की ज़रूरत है हमें। यहाँ पर ये हमने हरी चटनी तैयार की हुई है, इसमें पुदीना है, धनिया है, हरी मिर्च है, थोड़ा सा नींबू है और नमक है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये काफ़ी पतली है, गाढ़ी ना रखें आप इसे। और ये दूसरी चटनी है, ये है लहसुन के फ्लेवर वाली लाल मिर्च की चटनी, इसको भी आप बना सकते हैं। आप सूखी लाल मिर्चें ले लें, उसके साथ इसमें नमक डालें, इसके अंदर भी आप थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, और उसके साथ लहसुन डालकर इसको पीस लें। और अब हम बाकी तैयारी करते हैं। बटाटा यानी आलू, उबले हुए आलू, इसे हमने चॉप करना है, और इसमें मैं थोड़ा सा कच्चा आम, ये कच्चा आम है, इसे भी हमने बारीक चॉप करके रखा हुआ है, वो मिक्स करता हूँ। इसके साथ इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, इसे मिक्स कर लें। अब ये जो पूड़ी या पापड़ी है इसके ऊपर आप ये रख दें। इसके बाद ये जो चटनियाँ हैं इसे हम डालेंगे, हरी चटनी और ये लाल मिर्च की चटनी, लहसुन के स्वाद वाली, और यदि आप चाहें तो थोड़ी सी मीठी चटनी भी डाल सकते हैं, कुछ में आप मीठी चटनी डाल दें। और सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्याज, इस समय आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा नमक या चाट मसाला पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। और अब इसके लिए चाहिए सबसे ज़रूरी चीज़, सेव। आप देखिए ये जो सेव है एकदम महीन वाली सेव है, ये जो सेव है जितनी आपको बारीक मिल सके वो वाली सेव लें, और सबके ऊपर सेव, पूरा ढक दें इसको, और आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा धनिया डाल दें इस तरह से। और अब बिना कोई समय व्यर्थ करते हुए इसको आप इसी तरह से सर्व करें, क्योंकि इसको आप बना के नहीं रख सकते, इसमें हमने चटनी डाली है उससे ये सौगी हो सकती है। आप इमिजिएटली इसको सर्व करें इसी तरह से, घबराइए नहीं, जब भी आप इसको सर्व करेंगे तो लोग इसको उठा सकते हैं एक एक पीस, और इस तरह से खाई जा सकती है। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, आप इसी तरह से सर्व करें, पूरी प्लेट सर्व करें, लोग इसमें से एक एक उठाते जाएंगे और आनंद लेंगे। बना के देखिए मिर्चें कितनी डालनी है ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 24 पूरी या पापड़ी, 2 उबले और कटे आलू, 1 छोटा कच्चा आम कटा हुआ, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बारीक कटी प्याज, चाट मसाला आवश्यकता अनुसार, सेव आवश्यकता अनुसार, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, हरी चटनी आवश्यकता अनुसार, इमली की चटनी आवश्यकता अनुसार और नमक स्वाद अनुसार। इसके लिए आप एक प्लेट में पूरी को रखें और कटे आलू, कटा कच्चा आम, नमक और लाल मिर्च पाउडर को मिला लें, और इस मिक्सचर को पूरी के ऊपर डालें, इसके ऊपर हरी चटनी, लाल चटनी और इमली की चटनी को डालें, इसके बाद इसके ऊपर बारीक कटी प्याज और चाट मसाला पाउडर डालें, और इन पूरी को सेव से कवर करें और इसे हरे धनिया की कटी पत्तियों से गार्निश करके सर्व करें।